भाई कई कई लोगों ने यार अपनी जमीनें बेच दी और वो बेचारे कई लोग यहाँ पे आके मर जाते हैं भाई। ये भाई पुलिस वाले पैसे लेगा भाई ने, शायद थोड़ा गलत टर्न ले लिया, भी छोड़ेगा नहीं भाई को। ऐसे क्रॉस कर सकता हूँ मैं, पर इससे अंदर घुसूंगा नहीं मैं ज्यादा। ये दीवार एकदम समंदर के अंदर तक जा रखी है। कई कई लोग भाई इतने ज्यादा डेस्परेट होते हैं, वहां से करके चले जाएंगे, उनको तैरना वैरना आता नहीं और भाई वो डूब के बहुत लोग मरे हैं ऐसे। भाई ये जो आपको ये इधर ये जो दिख रही है ना ब्राउन ब्राउन, दिस इज द वॉल। और आपको थोड़ा दिखाता हूँ जूम करके, अमेरिका का फ्लैग दिख रहा था अभी थोड़ी देर पहले। हाँ ये देखिए, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, द फ्लैग ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। गुड आफ्टरनून गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई एक के बाद एक प्लेन जा रही है, देखिए आप जूम करके दिखाता हूँ। नहीं दिख रही प्लेन, ही नहीं दिख रही भाई, शिट। हाँ एक ये वाली और एक जस्ट, हाँ एक ये वाली, बैक टू बैक दो प्लेन दिख रही हैं और एक पीछे और आ रही है। भाई यहाँ पे क्या सीन है, इतनी अलग ही लग रहा है यार, हर प्लेन इतना धुआं कैसे छोड़ती हुई जा रही है, या फिर ये धुआं कुछ ज़्यादा ही विजिबल है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूट है ये। एक एयरपोर्ट उधर है, प्लेन लैंड भी हो रही है, प्लेनों को छोड़ा यार। तो गुड आफ्टरनून गाइस, और स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। तो अभी हूँ मैं तिखुआना, द बॉर्डर बिटवीन USA एंड मैक्सिको। करंटली अभी हूँ मैं मैक्सिको की तरफ और कल या परसों मैं यहाँ से एंटर कर जाऊँगा Into United States of America, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। ये देखिए आप पीछे, आपको जो पहाड़ दिख रहा है ना, दैट इज USA, और पहाड़ के साइड आपको दिख रहा होगा जो इतना ज़्यादा कचरा टाइप सा, कचरा इन द सेंस मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, कचरा नहीं है ये, लेकिन भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका है इधर। सो इस साइड वाला एरिया आपको सारा मेक्सिको दिखेगा, जितने भी USA बॉर्डर हैं, USA मेक्सिको के बॉर्डर हैं, मेक्सिको साइड आपको बहुत ज़्यादा कंसेंट्रेशन मिलेगी लोगों की, बहुत ज़्यादा वो है क्या बोलते हैं डेंसिटी यहाँ पे। ये तिखुआना भाई मेरे को छोटा सा शहर लग रहा था, लेकिन आप जहाँ जहाँ देखोगे ना, वो आपको हर जगह इस टाइप में कंसेंट्रेटेड और बहुत ज़्यादा डेंसिटी वाले एरियाज दिखेंगे। अभी भी जिस एरिया में मैं रुका हूँ, ये बहुत ज़्यादा सेफ माना जाता है, वरना भाई तिखुआना इज़ द वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सिटी ऑफ द वर्ल्ड। आप चैट GPT में सर्च करके देखना, आपको या तो हुआरेज मिल जाएगा या तिखुआना मिल जाएगा, और तिखुआना भाई बहुत ज़्यादा नोटोरियस है। एक टाइम में लोग यहाँ से बॉर्डर क्रॉसिंग क्या करते थे, कूद के फांद के, क्योंकि मेक्सिको और USA की वॉल यहाँ पर है, लेकिन आजकल यहाँ पर लोग कम क्रॉसिंग करते हैं, क्रॉसिंग आजकल ज़्यादा होती है मेक्सिकाली की तरफ या फिर जो टेक्सास की तरफ बॉर्डर पड़ता है, हुआरेज बॉर्डर वहाँ से ज़्यादा होती है या फिर दूसरी साइड। क्योंकि आप ये देखिए, ये USA और मेक्सिको का बॉर्डर, और यहाँ से आप कहीं से भी एंट्री कर सकते हो। मेक्सिको के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा है नहीं, और बस वॉज मोर एक्सपेंसिव दैन फ्लाइट, तो मैंने सोचा कि यार चलो फ्लाइट में चल लेते हैं। तो सीधा फिर मैं मेरी इधर से फ्लाइट लेके आ गया उधर मैक्सिको सिटी, और मैक्सिको सिटी से फ्लाइट लेके फिर मैं आ गया था यहाँ पर तिखुआना कल रात को। तो भाई वो डंकी जो इस ट्रिप के स्टार्टिंग में काफ़ी बार मैंने बात की थी, बीच में एक दो बार और बातें कर ली होंगी, वो डंकी का रूट है ना यहीं पे ख़त्म होता है। आप कहीं पे भी देख लीजिए, इस पूरे मेक्सिको USA बॉर्डर पर लोग आके अपने USA की दीवार कूदते हैं और फाइनली भाई उनको एंट्री मिलती है USA के अंदर इलीगल तरीके से। और ये इलीगल तरीका भाई इतना ज़्यादा कॉमन हो रखा है और इतने ज़्यादा लोग इसमें पैसे स्पेंड करते हैं, भाई मैंने खुद ने देखा हुआ ये मेरे गाँव में, मेरे फैमिली में, दूर की फैमिली में एक चाचा थे भाई, वो लिटरली USA जाने के लिए, USA कनाडा जाने के लिए 50-60 लाख रुपए देने के लिए तैयार थे, और वहाँ जाके वो जॉब क्या करते हैं, नॉर्मल से जॉब। अब कई बंदे बोलेंगे कि यार भाई इंडिया में तेरे को पता नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने एक बार वीडियो में बोल दिया था कि यार ये इंडिया का नाम खराब करते हैं जो डंकी कर रहे हैं। देखो यार मैं इस मामले में ये बात शायद मैंने थोड़ी बहुत गलत बोल दी होगी, लेकिन भाई अगर आपके पास 50-60 लाख रुपये हैं और आप थोड़ा सा दिमाग ढंग से लगाओ ना, तो इंडिया के अंदर भी ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है। हाँ देखो अगर आपके पास स्किल कम है तो मैं कहूँगा कि यार इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटी कम है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप थोड़ा सा भी हगोगे अपने काम में तो आपकी जगह लेने के लिए 10 बंदे तैयार खड़े हैं, लेकिन अगर आपके पास कैपिटल ठीक ठाक है, 50-60 हज़ार है, और अगर आपके पास नॉर्मल सा भी दिमाग है ना, मैं नहीं कह रहा कि आपके पास हाईली स्किल सेट चाहिए, अगर आप 50-60 लाख रुपये वहाँ लगाने के लिए तैयार हो, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के यार 15-20 लाख में आप इंडिया में एक छोटा सा काम आराम से स्टार्ट कर सकते हो। हाँ ठीक है आपके पास वो स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, लेकिन स्किल्स डेवलप होने में इतना टाइम थोड़ी लगता है यार, धीरे धीरे काम करोगे काम सीख जाओगे। लेकिन भाई जनता पागलों की तरह भाई इन जो डंकी वाले एजेंट होते हैं, इनको भाई कई कई लोगों ने यार अपनी ज़मीनें बेच दी और वो बेचारे कई लोग यहाँ पे आके मर जाते हैं भाई, सच में। दीवार कूदते टाइम पे या तो मेक्सिको वाले गोली मार देंगे या फिर वो कुछ ऐसा सीन हो जाएगा, वरना यहाँ पे जो कार्टेल है भाई जो ड्रग डीलिंग करते हैं उनके बीच में मारे जाएंगे। तो बड़ा गंदा सा सीन है, एक बार खाना खा लेता हूँ फिर आपको इस बारे में बात करूँगा और दीवार की तरफ भी चलेंगे। तो दिस इज़ तिखुआना, यहाँ पे आपको काफ़ी अमेरिकन्स मिलेंगे जो दिन में आते हैं 1-2 घंटे के लिए, यहाँ पे सस्ते दारू वारू पी के और रास लीलाएं करके वापस चले जाते हैं। तो ये सिटी हर चीज़ के लिए फेमस है, इस सिटी के अंदर आपको नेक्स्ट लेवल नार्को की प्रॉब्लम्स भी मिलेगी,
भाई नशे का, क्योंकि यहाँ से नशा सीधा अमेरिका की तरफ शिप होता है और यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें आप सोच सकते हो ना वो सारी चीज़ें हैं। और आज के लिए जो डंकी वाली चीज़ें हैं इस कारण से भी इसके ऊपर अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ये यूँ मान लिया लीजिए ये दुनिया की सबसे खतरनाक सिटीज में से एक है। अभी जिस एरिया में घूम रहा हूँ यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा भी आउटर जगह में गया ना तो भाई अभी तो मेरी सिर्फ ड्रोन ही गुम हुई है। अगली बार देखूँ तो कुछ और भी गुम हो सकता है। अब यहाँ पर मुझे टैकोस देखने यार, काफ़ी बंदे ने मुझे यहाँ पे यूएस से दिख रहे हैं। और यूएस के पास इतनी ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी होने के कारण इस शहर की, यहाँ पे लोगों को अंग्रेज़ी ठीक ठाक आती है, जो बाकी मेक्सिको में आपको इतना नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इस तिखवाना में अंग्रेज़ी लोगों को सही आती है। और अगर अकोमोडेशन की बात की जाए ना, तो अकोमोडेशन मुझे यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू बाकी मेक्सिको सिटीज़ अकोमोडेशन यहाँ पे महंगी पड़ रही है। जिस हॉस्टल में मैं रुका हुआ वहाँ पे आई एम पेइंग $23 पर नाइट। यहाँ पे अभी दिया दलो मोड़ता इसकी तैयारी अच्छी खासी दिखी रही है, और लगभग जगह पर आना आपको अंग्रेजी में मेन्यू दिखे जाएंगे। मैंने ना अभी जो मेन मार्केट सा था ना उसको छोड़ दिया है, यहाँ पे एक लोकल मार्केट है उसकी तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे भीड़ भी अच्छी खासी लग रही है, यहाँ पे स्ट्रीट फूड भी मिल जाएगा मुझे। जो मेन स्ट्रीट है ना उसके ऊपर बेफालतू में एक्स्ट्रा प्राइस भी मिलते हैं, और ना मुझे टैकोस जो मुझे खाने अच्छे लगते हैं थोड़ा स्ट्रीट फूड टाइप वो भी नहीं मिलते, यहाँ पे सब मिल जाएगा। यहाँ पे जो यूएस वाले बंदे हैं ना वो सामान खरीदने आते हैं, क्योंकि यूएसए में चीज़ें महंगी मिलती हैं, तो यहाँ पे एक दो घंटे में आके ठीक ठाक सामान खरीद के वापस चले जाते हैं। भाई ये इनका कोई स्क्वायर टाइप है, रेवोल्यूशन स्क्वायर। और अभी यहाँ पे भाई मैंने टैक्सी अपनी ऑर्डर कर रखी है, टैक्सी आने वाली है, इधर से आएगी। तो भाई फाइनली मुझे खाना पीना मिल गया था, यहाँ पे मैंने खाना खाया। तिवाना की जो नाइट लाइफ है ना काफ़ी सही है, और तिवाना एक चीज़ के लिए और जाना जाता है, सॉरी नॉट तिवाना, तिखवाना। तो ये जगह एक ख़राब चीज़ के लिए और जानी जाती है, दिस इज़ हब ऑफ रेड लाइट एरिया, बिकॉज भाई वो सारा यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ना, यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं जितनी भी और यहाँ पे अच्छाई है जितनी भी, उसमें यूएस का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हाथ है। और भाई ये एरिया कुछ ज़्यादा ही सेफ है, क्योंकि यहाँ पे भाई जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनके लिए नाइट लाइफ, उनके लिए शॉपिंग वॉपिंग, और उनका जो दूसरे वाला एरिया वो आगे ही बढ़ता है, सामने उधर यूएसए रह गया। वो जहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ दीवार के पास, वहाँ पे पैसिफिक ओशन का पार्ट है, वहाँ पे उस वॉल का वो वाला पार्ट है जो इस साइड ख़त्म होती है। देखिए यूएसए की वॉल स्टार्ट होती है उस साइड, यहाँ से स्टार्ट होती है जो यूएसए और मेक्सिको का ईस्ट कोस्ट वाला बॉर्डर है, और ये आती है ख़त्म होती है पैसिफिक में, जहाँ पर अभी मैं जाने वाला हूँ। ऊबर ऑर्डर कर रखी है मैंने, कितनी देर में आएगा भाई, पहुँचने वाला है आई थिंक। यहाँ का माहौल भी थोड़ा अलग, आगे दिखाऊंगा यार मैं। ये जो सिटी है ना लग बहुत शांत रही है, लेकिन अंदर इसके बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आ जा यार, ये टैक्सी वाला ही पता नहीं कब तक आएगा। ¿Cómo estás, amigo? Bien, de Paul. Good, good. You speak English? No. No? No. No hablo inglés. ¿Cuánto minutos? 23. 23? Sí, 23. Okay, amigo. Can I sit in the front? Can I come here? ¿Cuál, acá? Yeah, yeah. Sí, sí. Okay. Okay. ¿Es un pasaje? Sí. Es que soy Uber y... ¿Turista? Ah, turista. Sí. Sí, es sí. Que como ahorita agarré el viaje, como lo llevo a playas, y de este lado pues hay mucho tráfico, por eso me di la vuelta. Ah, es que me di la vuelta. Fine. Yes. Money? Yes. Police, good bread here. Hey. ये भाई पुलिस वाले पैसे लेगा भाई ने, शायद थोड़ा गलत टर्न ले लिया, भी छोड़ेगा नहीं भाई को। ¿Cuánto? 150. 100? 15 pesos. 50 pesos? Yes. He took? Yes. Bribe? This area like Thailand? Calle Primera. Coahuila. Coahuila. Muchas, ladies. Muchachas, ladies. Ladies. This area mein bhai, wo jo main aapko thodi der pehle bata raha tha, ye इस टाउन का रेड लाइट एरिया पड़ता है, और भाई इतनी ज़्यादा मात्रा में मैंने कभी भी नहीं देखी थी, मतलब कि लाइक लिटरली जो
लेडीज हैं वो लाइन से खड़ी हुई हैं, और उनके चेहरे पर यार वो एक कैसे समझाऊँ मैं आपको, बता नहीं सकता। ये सारी की सारी चीज़ें बॉर्डर पे होती है। अभी आपने देखा एक पुलिस वाले ने कैसे भाई से रिश्वत ली और 100 लेके चला गया, बाद में बोलता कि तुम कैमरा ऑन कर रखा है, मैंने नहीं भाई कैमरा बंद है मेरा। बहुत अलग ही टाइप का एरिया है भाई ये। Amigo, Tijuana, cartel, sí? ¿Cartel de qué? Narcos. Oh, sí, muchos. ¿Muchos? So, ¿Segura no? ¿No chef? ¿O qué? No más entre turisto, ellos. ¿Turisto? ¿Turisto no problem? No, no problema. Tranquila, ¿eh? Tranquila, sí. And, narco entre narco. Cartel, which cartel? El Chapo, Felix Gallardo, Sinaloa, which one? Ajá. All, everyone. No, solamente con cárteles, cartel con cárteles. Tu país se me voy a ir puchando. Pero, sí, turismo. No problem. No problem. Tranquila, ¿eh? Yes. तो मैं भाई से ये पूछ रहा हूँ कि यार कि यहाँ पे कार्टल की प्रॉब्लम है क्या? बोलते भाई कार्टल तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन वो टूरिस्टों को कोई दिक्कत नहीं करते हैं, टूरिस्टों के लिए चिल है, कार्टल आपस में ही लड़ते रहते हैं। सो सिनालोवा तिहुआना है कार्टल, यहाँ पे दो टाइप के कार्टल है, एक है सिनालोवा कार्टल और एक है तिहुआना कार्टल। सिनालोवा कार्टल आई थिंक आपने अगर नार्कोस सीरीज देखी होगी तो उसमें एक कैरेक्टर था एल चापो नाम से, उसके वो तो अभी जेल में चला गया लेकिन उसके बेटे उस कार्टल को रन करते हैं। ¿Vienes grabando? ¿Ah? ¿Vienes grabando? Ya, sí. ¿Eh? ¿Grabas al poli? Sí. ये भाई पूछ रहे थे पुलिस वाले आए थे तो वीडियो ऑन थी क्या? मतलब हाँ वीडियो ऑन थी, लेकिन इसकी कैमरे की अच्छी बात यह कि वो बंद हो जाता है। तो भाई देखा कैसे रिश्वत लेके चले गए, बढ़िया बहस की। भाई सामने वो आ गया पैसिफिक ओशियन, और उधर जो यूएसए का शहर दिख रहा है ना वो है सैन डिएगो। सैन डिएगो सी? यस। हां बोल। मोरो। हां ये भाई ये देखिए भाई यहाँ पे कितनी बड़ी हुई वॉल बनी हुई है, इट्स मुचास ग्रांडे अमिगो। Gracias, amiga. Puede. Bye, bye. Bye. ये भाई देखिए जो वॉल है उसके बिल्कुल पास पहुंच चुका हूं मैं, और इस वॉल के पास माहौल पूरा ही अलग है। तो ये है भाई वो दीवार, ये दीवार आपने बहुत जगह पर देखी होगी, और इस दीवार से भी काफ़ी लोग कूदने आते हैं। सामने जो समंदर दिख रहे हैं ये है पैसिफिक ओशियन, और यहीं से कई लोगों ने क्या किया है आगे जाके तैर के क्रॉस करने का ट्राई किया है, लेकिन आजकल क्या है कि इधर सिक्योरिटी बढ़ा दिया है, और ख़ास करके जो मैक्सिकन पुलिस है वहीं पर रहती है, वो देखिए ऊपर मैक्सिको वाले गार्ड, अगर यहाँ से अगर कोई भी क्रॉस करने का ट्राई करता है ना तो मैक्सिको वाले गोलियाँ वोलियाँ चला देते हैं। भाई यार क्या सोच के बनाई होगी ना ये कब तक करेंगे पापा पापा। ये मैक्सिको पुलिस या मैक्सिको आर्मी यहाँ पे घूम ही रही है मेरे साथ, अब इधर से तो कोई क्रॉस नहीं करता होगा यार, कि उधर वो यूएसए के जो गार्ड्स हैं बॉर्डर गार्ड्स वो खड़े हैं, इधर मैक्सिको पुलिस खड़ी है, मैक्सिको वाले खड़े हैं। ये समझ नहीं आ रहा बंदा चढ़ेगा कैसे भाई, इतनी ज़्यादा हाई बना रखी है, और दीवार उस साइड भी इस साइड भी दोनों तरफ बनी हुई है। ट्रंप ने भाई बना दी वो आखिरकार है। ये है भाई उधर यूएसए इधर मैक्सिको, और ये जो इस साइड वाली मिट्टी है ना इस इधर जाने के लिए लोग कितना तरसते हैं भाई, कितना ज़्यादा तरसते हैं। एक नए रूट का ही नाम पड़ गया डंकी रूट है यहाँ पे, क्या है डिपोर्टेड वेटरन्स डायस्पोरा म्यूरल प्रोजेक्ट, जो डिपोर्टेड लोग हैं आई थिंक उनका कोई प्रोजेक्ट है, और उनसे रिलेटेड ही कुछ भाई इसके ऊपर है ना वॉल के ऊपर अलग अलग पेंटिंग करके कुछ अलग अलग ग्रेफिटी सी बना रखी है। देख रहे हो भाई कैसे समंदर के अंदर तक इसको बिल्ड कर दिया गया है, रात के टाइम पे कोई ना कोई तो ट्राई करता होगा यार, मैं मान ही नहीं सकता कि जनता रुक जाए ऐसे, इंसान की प्रवृत्ति है कि भाई रुकना नहीं है, कैसे ना कैसे करके वो करना है। ओला कोमो एस्टास अमिगो? अकी एंडमोस मी अमिगो, टोडो बिएन, एंडमोस डिस्फ्रुटांडो एल रेकोरिडो दे एस्टा प्लेया दे तिहुआना।
¿Tijuana? Sí, venimos de... ¿Sea India? Ah, ¿de la India? Ya, yeah, India. Perfecto, muy bien. ¿Ok? Ah, no. Tranquilo, en otro país. Aquí no, tranquila. Video, YouTube. Ajá, es correcto. Ya, ya, ya. Saludos ahí a todos los que nos estén viendo. Que vengan a Tijuana, aquí podemos disfrutar. ¿De Tijuana? El de Tijuana. El de Tijuana, ok. Chiapas. ¿Chiapas? Ah. Chiapas. ¿Qué? Me gusta, amigo. Me gusta, amigo. Me gusta. मैंने भाई को बोला भाई आधा दीवार कूद के चलते हैं. भाई फिर हंसने लगा, बोलता नो 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 नो. भाई एक सबसे मजेदार बात देखिए, ये जो वॉल है ना, ये जो यूएस मेक्सिको का टोटल बॉर्डर की लेंथ है लगभग 3,000 to 3,500 kilometers के आसपास, और ये 3,500 kilometers में जो वॉल है वो लगभग 1,500 to 1,800 kilometers के आसपास ही है. पूरे बॉर्डर के ऊपर वॉल नहीं बनी हुई है, वॉल बनी हुई है जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है या फिर जो फेमस क्रॉसिंग्स हैं उनके ऊपर. और इनमें वॉल स्टार्ट होती है टेक्सास स्टेट से लेके और एंड होती है यहाँ पर कैलिफोर्निया में. और ये दोनों ही स्टेट भाई एक टाइम पर यूएस का जो सदर्न वाला पार्ट है वो एक टाइम पर मेक्सिको का पार्ट हुआ था, लेकिन भाई फिर मेक्सिको और यूएसए के बीच में फाइट होती है और फिर जो यूएसए है इस एरिया को जीत जाता है. अभी जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ तिखुआना, और तिखुआना है कैलिफोर्निया की बाया कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर. अमेरिका साइड भी कैलिफोर्निया स्टेट है, इस साइड भी कैलिफोर्निया स्टेट है. और ये भाई जो इसके अंदर मेक्सिको के अंदर जो कैलिफोर्निया स्टेट है काफ़ी बड़ी मानी जाती है. आई थिंक टेक्सास भी एक टाइम पर मेक्सिको का ही पार्ट था, न्यू मेक्सिको तो था ही था, और कैलिफोर्निया भी. अब यार यहाँ पे पुलिस वुलिस और ये कुछ ज़्यादा ही फेमस है, यहाँ पे लोग भी अच्छे खासे रहते हैं तो लोग इधर से ज़्यादा वो करते ही नहीं है दीवार कूदने वाला सीन. ज़्यादातर जो आपको मिलेगा ना वो है टेक्सास स्टेट के अंदर जो हुआरेज बॉर्डर पड़ता है, और एक यहीं से इसी स्टेट के अंदर कैलिफोर्निया के अंदर एक जगह और है मेक्सिकाली, वो आई थिंक यहाँ से 50-60 kilometers दूर है. वो एक और यूएसए की क्रॉसिंग है, वहाँ पे भी लोग ठीक ठाक क्रॉस करते हैं. और दीवार है ना दो साइड दिख रही है, इस साइड भी और उस साइड भी, और आई थिंक बीच में है नो मैंस लैंड. मैं एक बार आपको ना ढंग से दिखाता हूँ दीवार के ऊपर, यहाँ पे भाई अलग अलग टाइप की ग्रेफिटी और वो सब बना रखी है. कोई ठोक ना दे यार मुझे, ये देखिए मैं इतना क्लोज आ रखा हूँ इसके. यहाँ से तो भाई बंदे ऊपर, देखो ऐसा तो नहीं है कि इंसानों को कोई भी चीज़ ऐसी है जो रोक सकती है, बंदे यहाँ पे भी चढ़ जाएंगे यार. हम साले चांद पे चले गए, ये दीवार नहीं चढ़ी जाएगी हमसे. बस बात ये है कि यहाँ पे पुलिस रहती है तो जनता को पुलिस का डर लगता है कहीं पुलिस ठोक ना दे, क्योंकि मेक्सिको साइड कई बार ऐसे सीन हो जाते हैं. क्योंकि यार अब मेक्सिको से जो बंदे क्रॉस करेंगे एंड ऑफ द डे मेक्सिको का भी नाम ख़राब होता है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कई बार मेक्सिको इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाता है, और क्यों नहीं उठाएगा भाई. मेक्सिको के अंदर जो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं उनमें यूएसए का भी एक बहुत बड़ा हाथ है, तो दोनों की तरफ से है ना कभी ऊपर कभी नीचे चीज़ें चलती ही रहती हैं. यहाँ पे बीच को क्लीन व्लीन करने वाले लोग आए थे, कोस्ट गार्ड में भी डिज़ाइन और ग्रेफिटी भी बनी हुई है इसके ऊपर. इधर कुछ लिखा हुआ है, मुझे लगा यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की फ़ोटो बना रखी होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेमस इस वॉल को डोनाल्ड ट्रंप ने ही किया था, लेकिन ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं यहाँ पर. लेकिन हर जगह ना कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, कई लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल भी लिख रखे इंस्टाग्राम हैंडल भाई इस दीवार के ऊपर, कि भाई दीवार नहीं कूद पाए तो मुझे फॉलो कर लेना. यही वो दीवार है जिसको क्रॉस करने के लिए लोग अपनी जर्नी डेरियन गैप से स्टार्ट करते हैं और करते करते फिर वो यहाँ तक पहुँचते हैं. कम अस्ता समीगा अमेरिकन बहुत आ रखे हैं भाई, बहुत ज़्यादा ही आ रखे हैं. इधर उधर देख रहे हो यूएसए का जो झंडा है ना, अरे भाई हाँ अब मिल गई मस्त मस्त फोटो, मैं वो दिखाता हूँ आप लोगों को. हाँ लेट्स गो अमीगो, अकेला ही नहीं हो पागल जो यहाँ पे आ रखे हैं भाई. ये देखिए उनिडियोस पेरमा कुछ स्पेनिश में लिखा हुआ है, और ये वाला देखिए यहाँ पे क्या कर रखा है, यूएसए का जो फ्लैग है ना उसको उल्टा बना रखा है. बेसिकली जो स्टार्स होते हैं ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये आई थिंक इधर होता है ऊपर की तरफ, लेकिन इसमें यूएसए के फ्लैग को ही पूरा उल्टा कर रखा है, काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट टू द यूएसए फ्लैग. और एक और ये देखिए मैं थोड़ा दूर जाके दिखाता हूँ आपको, ये इधर फैसिस्ट बेंजामिन नेतन्याहू, एंड फिर ये मेक्सिको का फ्लैग विद यूएसए का फ्लैग, और बीच में दिया दुलो मोर्तास टाइप, और उधर आई थिंक जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप आपस में पप्पी करते हुए, फिर उधर एक फ्री पैलेस्टाइन सीज फायर. आई थिंक ये 1894 रिकंस्ट्रक्टेड अगस्त 1894 बाय द इंटरनेशनल बाउंड्री कमीशन बाय द कन्वेंशन ऑफ 1882-1889, और इधर है बाउंड्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका.
तो आई थिंक 1884 के टाइम पर जो यूएसए और मेक्सिको के बीच में वॉर हुआ था, जब उसके बाद ये जगह यूएसए के अंडर आ गई। ये दिखा रखे हैं कि भाई कोई भी ह्यूमन इलीगल नहीं होता है। यार देखो एक हिसाब से देखा जाए ना तो इलीगल फिलीगल सब भाई अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बना के रखते हैं। कई बंदे इस बात पे ऑफेंस ले जाते हैं यार कि आप इलीगल कैसे बोल रहे हो। भाई जो लोग बोलते हैं मैं किसी को क्या बनाने वाले, मेरी औकात क्या है। अब कुछ लोग बोलते हैं इलीगल है तो है भाई, नहीं है तो नहीं है, मुझे नहीं पता और ना मैं इस चीज में पढ़ना चाहता हूँ भाई। मैं एक नॉर्मल सा बंदा हूँ। इधर क्या लिखा हुआ है भाई? आई थिंक यहाँ पे है ना कुछ ज़्यादा ही वो सेफ्टी टाइप लगा रखा है ताकि अंदर कुछ जा ही ना पाए। और इनका मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप तो इधर गोलियाँ वोलियाँ चलाई थी या कुछ ऐसा हुआ था। आई थिंक ये वो बंदे हैं जिनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि काफ़ी अमीगो जो सामने लिस्ट लगी हुई है ना, ये उन बंदों की लिस्ट है जिनकी वॉल क्रॉस करते टाइम पे डेथ हो गई थी। यहाँ पे एक भाई साहब थे, मैंने उनसे पूछा था, तो आई थिंक उन्हीं की मेमोरी में यहाँ पे एक काइंड ऑफ फ्यूनरल टाइप या फिर उनके समाधि टाइप बना रखी है। इधर भी देखिए ये भाई पूरा का पूरा, ये उस साइड वाली वॉल है और ये मेक्सिको साइड वाली वॉल है। यूएसए साइड अभी कोई दिख नहीं रहा लेकिन वहाँ पे पार्किंग वार्किंग तो बना रखी है मेरे हिसाब से, उधर उस साइड लोग आते होंगे। और भाई ऐसा भी नहीं है कि जो ये वाली जो आप दीवार देख रहे हो ये अभी ये पूरी की पूरी दीवार डोनाल्ड ट्रंप ने बनवाई है, नहीं यार ये दीवार पहले से एग्जिस्ट करती थी। और खास करके इधर वाली ये देखिए 2020 का ये कुछ फ़ोटोज़ लाए और कुछ फ़ोटोज़ पहले के भी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। 2012 में भी ये वाली जो वॉल है एग्जिस्ट करती थी। ये देखिए 2012 में इस टाइप के ग्रिल्स लगा दी थी, 2008 में उतनी बड़ी ग्रिल नहीं थी, ये छोटी सी फेंसिंग हुआ करती थी। अब तो भैया कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है। इधर एक गेट भी है, इधर है ना दोनों तरफ गेट बना हुआ है और बीच में फ्रेंडशिप गार्डन। तो यहाँ पे आसपास जो स्कूल है ना वो दोनों स्कूल के बच्चे उस साइड से यूएस वाले, इस साइड से मेक्सिको वाले, बीच में जो ये नो मैंस लैंड है इधर जाके बच्चे खेलते वेलते हैं। उधर कुछ लिखा भी हुआ है यूएसए की तरफ, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, मेरे को भी यहाँ से दिख नहीं रहा है बीच में ये US government property area, moving gate can cause serious injury or death, stop on gate tracks, phone after hours and holidays। एक चीज़ और देखिए आप यहाँ पे जो आपको जितनी भी ज़्यादातर जो गाड़ियाँ दिखेंगे ना लगभग गाड़ियों के ऊपर है ना अमेरिका के नंबर है। जैसे ये वाली गाड़ी कैलिफोर्निया की है, आगे वाली भी कैलिफोर्निया की है, उससे आगे वाली भी कैलिफोर्निया की है और उससे आगे वाली भी कैलिफोर्निया की है। तो यूएसए एक तो ये भी है कि काफ़ी बंदे क्या है कि कैलिफोर्निया से गाड़ी खरीद के फिर इधर मेक्सिको में चलाते हैं, और फिर कुछ बार जो यूएस वाले बंदे हैं जिनको आउटिंग वाउटिंग करनी होती है तो इधर कैलिफोर्निया ना सॉरी इस साइड मेक्सिकन साइड आ जाते हैं। अरे केएफसी वाले फ़ैन एल दोरादो याद है आपको? एल दोरादो ही था ना जो केएफसी के खान केएफसी बोल रहा हूँ भाई, केजीएफ सॉरी नॉट केएफसी। हाँ तो केजीएफ में जो आई थिंक एल दोरादो मेरे को नाम याद आ रहा है कुछ, प्लीज़ मुझे करेक्ट करना अभी एक बार। हाँ तिहुआना वियतनाम से लोग आ रखे हैं, इधर फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं। अभी एक बार मैं इस कैफ़े में जाके कॉफ़ी पीऊँगा, उधर बैठ के थोड़ी बातें बातें करेंगे और फिर भाई वापस शहर की तरफ निकल जाएंगे। भाई मस्त सीन है यहाँ पर, पीछे वॉल है और यहाँ पे एक कैफ़े सा भी बना रखा है, कैफ़े का ये बार है। मुझे ना अब तक की जो मेरी लाइफ की सबसे मस्त बियर लगती है वो है कोरोना, एंड कोरोना इज़ द नेशनल बियर फ्रॉम मेक्सिको। तो अभी तक मैंने कोरोना जो मेक्सिको की है वो ट्राई नहीं की थी, इंडिया में तो मैंने काफ़ी पी रखी है, एक तो वो ट्राई करूँगा। और यहाँ के लोगों ने है ना मेरे हिसाब से इस वॉल को एक काइंड ऑफ टूरिस्टिक स्पॉट सा बना दिया है। और जब से डोनाल्ड ट्रंप आया था तो इस वॉल की चर्चा ज़्यादा होने लग गई थी, जब से अपने इंडिया में डंकी वाला सीन ज़्यादा होने लगा था तो और ज़्यादा चर्चा होने लगी थी। और लसन रहता क्या मुस्ता कोरोना से नो सर्वेजा द नेशनल नो सर्वेजा के Tecate, Mexicano? Sí. Okay. What is that like? You speak English? No. No? Mirar glass? Spicy? Ah, okay. Escarchado? Paso con chilito? Chilito, sí. Un chilito. And, say, okay. And una... Sí, te recomendes. Tecate light, tecate rojo, e indio, cerveza. Cerveza. But yeah, cerveza no fridge. Like, no fría. No fría. Yeah, okay. What's your name? ¿Cómo te llamas? Alicia. Alicia. Nice to meet you, Alicia. Me gusta. Mucho gusto. Okay, dos cerveza chiliano. Okay. Okay, dos cervezas. No, no, un cerveza. Una, sí. ¿De qué sería? Tecate light, tecate rojo. ¿Para acá? Sí. Okay. Español poquito.
बहन को कह रहा हूँ कि यार आप इनके पास कोरोना नहीं है यार। ये भाई साहब हैं, मैं जब आया था तब ये शंख वंख बजा रहे थे, ये मुझे यहाँ के जो लोकल इंडिजिनस लोग हैं उन उससे लग रहे हैं, ये भी आई थिंक शंख बजाएंगे वापस से। ये नेटिव है यार, इनकी शक्ल वैसे से ही लग रही है, और यहाँ के जो नेटिव्स हैं ना उनके कल्चर के अंदर स्पिरिट्स का बहुत बड़ा हुआ है। उन भाई साहब ने शंख बजाना स्टार्ट कर दिया है, काफ़ी अमेरिकन आ रखे हैं भाई। अब आप, हाँ आप दिखाता हूँ जूम करके ऊपर कह रहे हैं, ये देखिए ये आई थिंक कोई मंत्र वंत्र पढ़ के उनके रोग वोग हटा रहे हैं। ठीक है, जो अमेरिकन यहाँ पे आते हैं भाई वो भी $10-15 इनको चले जाते होंगे, इन भाई साहब की अच्छी दिहाड़ी बन जाती है दिन की। शंख की आवाज़ देख रहे हो आप कैसे आ रही है। शंख यार मैंने बहुत कम देखा था, मैंने सोचा था अपनी इंडियन कल्चर में ही इम्पोर्टेंस है, बाकी जो एशियन कल्चर है उनमें भी है, और यूरोप में मैंने कभी नहीं देखा किसी को शंख बजाते हुए, लेकिन यहाँ पे माया कल्चर के अंदर शंख का अच्छा खासा यूज़ होता था, और इवन जो अमेरिका में जो नेटिव अमेरिकन्स हैं उनके अंदर भी शंख का यूज़ है भाई। उन अंकल जी का इलाज अभी तक चल रहा है, वो शंख बजा बजा के उस एंटी के उन्हें चारों तरफ से घेर के धुआं धुआं भी कर दिया है उनके सामने। सही है भाई। तो इधर भाई दो तीन बंदे बैठे थे, इनके पास आके बैठ गया हूँ मैं इस दीवार के पास। भाई कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड मेटल यूज़ कर रखा है इन्होंने, मुझे लगा ऐसे करूँगा तो बजेगी, बज भी नहीं रही है, तो इसका मतलब ये अंदर से थोथली नहीं है, ये प्योर हार्ड मेटल यूज़ कर रखा है ताकि भाई ये जनता को स्टॉप कर सके, और अंदर तक समंदर तक अंदर तक जा रही है ये। ये देखिए इस साइड है ना, टूरिस्ट अच्छे खासे आ रखे हैं, साफ़ सफाई यहाँ पे नहीं है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे, एक मेरे हिसाब से जो पैदल वैदल चलने के लिए जगह बनाई जा रही है, लेकिन इधर जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत ही गंदी लग रही है यार। मतलब कि मैक्सिको में अभी तक मैंने जितनी भी जगह देखी थी उनमें से सबसे गंदे बीच मान लीजिए आप ये, जो बीच है ना मैक्सिको में बड़े सुंदर होते हैं, लेकिन ये वो वैसा बीच नहीं है। अगर आप यूएसए साइड देखोगे तो साफ सफाई अच्छी खासी है। ये देखिए आप, ये भाई यूएसए साइड वाला माहौल है। लेट्स गो अमिगो, वामोस। नो नो व्हाई या ही हो, पर नो मैं गुस्सा। लेट्स गो, वामोस। सॉरी नो, आई एम जस्ट किडिंग, जोक। ये भाई भी सोच रहे हो इधर कूदने के लिए आ रखा हूँ। ओके बाय, अडियोस। भाई बाय भी नहीं बोल के जा रहा है मुझे अब। मैंने भाई को बोल दिया कि मजाक कर रहा हूँ, भाई ने बाय भी फिर हंस के चला गया है। अट्रैक्शन सी बन गई है भाई ये दीवार, एकदम समंदर के अंदर तक जा रखी है। कई कई लोग भाई इतने ज़्यादा डेस्परेट होते हैं, इतने ज़्यादा डेस्परेट होते हैं वहाँ से करके चले जाएंगे, उनको तैरना वैरना आता नहीं, और भाई वो डूब के बहुत लोग मरे हैं ऐसे। वहाँ पे दीवार की हाइट इतनी नहीं है, अगर आप ढंग से देखोगे ना तो ऊपर से नहीं दिख रही, लेकिन अंदर जो दीवार है वो काफ़ी नीचे है, क्योंकि उधर पानी का लेवल अच्छा खासा है। ये मान लीजिए बीच से कम भी भाई 50-60 मीटर आगे तक दीवार को बना रखा है। ये दो पुलिस वाले या मिलिट्री वाले मुझे पता नहीं, लेकिन जब से मैं आए हूँ ना तब से यहीं पे ही हैं, और दीवार से ज़्यादा दूर जा नहीं रहे हैं ये वाले। पुलिस की कहीं ना कहीं से आपके ऊपर नज़र रहेगी ही रहेगी अगर आप यहाँ पे आते हो तो, और यूएस साइड में मुझे कोई पुलिस वाला नहीं दिख रहा है। अगर एक बार मैं यहाँ से क्रॉस कर गया ना तो आई थिंक उसके बाद यूएस वाले मुझे वापस यहाँ पे भेज नहीं सकते, जहाँ तक मेरे को पता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। सीनियर आप लो इंग्लिश या सो दिस इज़ द एक्चुअल बॉर्डर या सो दिस वॉल इज़ इन द पार्ट ऑफ यूएसए। ओके ग्रेसियस भाई, वापस ये फोटो देखो आप, एक तरफ ट्रंप और एक तरफ बाइडन। तो यहाँ पे जो भाई साहब है ये कह रहे हैं सो मे बी दे बोथ आर गे। व्हाट पीपल से अबाउट ट्रंप इन मेक्सिको? इट्स डिफरेंट, दे लाइक और दे डोंट लाइक मेक्सिकन्स, दे डोंट लाइक। व्हाट अबाउट बाइडन? बाइडन इज ओके, बाइडन इज बेटर। सो व्हाट डू यू थिंक, हु इज गोइंग टू विन इन यूएसए? द सेम। No, no, who win this time? Who president? Next president? Kamala or Trump? Trump is going to win? Yeah, it's maybe next. Maybe next, yeah? When again? So in 10 days we'll find out, yeah? Yeah. Wow. Yeah, Kamala. See? Kamala Harris. For half picture. Yeah. कमला हैरिस भाई, इधर कमला हैरिस की भी फोटो लगी हुई है, देखिए आप प्री पैलेस्टाइन, उधर कमला की फोटो लगी हुई है हाफ में फॉर वॉर, और उधर बाइडन और ट्रंप आपस में किस कर रहे हैं, बोल रहे हैं टियर डाउन दिस वॉल तुम्बा एस्ते मूरो, और उधर भाई बेंजामिन नेतन्याहू जिसके नीचे लिखा हुआ है फेसिस्ट।
उधर वो वाली वॉल बनी हुई है, इधर बच्चे पानी के लिए वॉल बना रहे हैं, हर कोई दीवार बनाने में लगा हुआ है। मुरो मुरो पानी कहाँ तक आ रहा है ये? ये भाई मेरा फोन यूएसए में और मैं मेक्सिको में हूँ। ऐसे क्रॉस कर सकता हूँ मैं, पर इससे अंदर घुसूंगा नहीं मैं ज्यादा। कितना घुस जाऊंगा यार, मुंह भी नहीं आ रहा है मेरा पूरा, बच्चा निकल सकता है यहाँ से। अरे हाँ, तो मेरे हिसाब से यही है, बच्चे तो नीचे से निकल जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि बच्चे वॉल क्रॉस कर जाते हैं और उनके पेरेंट्स रह जाते हैं, तो इस कारण से बच्चों का इन्फ्लुएंस यूएसए के अंदर ज्यादा है एज कम्पेयर टू पेरेंट्स। ये कहीं पे मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी या कहीं पे मैंने आर्टिकल देखा था या फिर कहीं पे मैंने सुना था। अब इसका श्योरिटी तो नहीं हो, लेकिन एक प्रॉब्लम यूएसए के अंदर बढ़ रही थी। जो मेरी टैक्सी ऑर्डर कर दी है, उबर ऑर्डर की है, यहाँ पे आप नॉर्मली ये वाली टैक्सी भी ले सकते हो, लेकिन अभी ये वाली का मतलब नहीं है। बोला सी हरमो सर। ये देखिए, ये वैसे गाड़ी है कैलिफोर्निया नंबर की यूएसए की, लेकिन आई थिंक ये है मैक्सिकन लोग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो इसमें मैं फाइनल मेरा वर्डिक्ट पास नहीं करना चाहूँगा। लेकिन भाई यहाँ पे लोगों ने लिमोजिन ऑर्डर कर रखी है और लिमोजिन में दूल्हे या दुल्हन की बारात आ रखी है पूरी। इधर से मेरी टैक्सी आएगी और अभी दीवार के साथ साथ चलते हुए आगे की तरफ निकल जाऊँगा मैं। ये पूरा माहौल है इस दीवार के ऊपर। अभी थोड़ी देर पहले ये जो यहाँ पे लोग हैं ये ऊपर आ गए हैं वापस, लोग नहीं जो मैक्सिकन पुलिस या मैक्सिकन मिलिट्री है। मैं एक बार टैक्सी का नंबर देख लेता हूँ। टैक्सी का नंबर है 382 382। यहाँ सामने से आने वाली है यार। यार काफ़ी दुल्हन आ रखी है, सच में दुल्हन है या फिर ऐसी फैंसी ड्रेस पहन के आई हैं? एक इधर है, एक उधर है, एक इधर, ये पूरी लिमोजिन बुक करके आ रखे हैं लोग। यंग लग रही है यार, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी लग रही है, लग रहा है कि 21-22 साल की लड़कियाँ हैं या 20 की भी हो सकती हैं। मेरे को लग रहा है ऐसी फ़ोटो खिंचवाने आई है। इस उम्र में इतनी जल्दी शादी होती है क्या मैक्सिको में? कहाँ गया यार मेरा ड्राइवर ही नहीं आ रहा भाई। आएगा आएगा, आने वाला है भाई। 382 इतनी बड़ी गाड़ी आई है, इनोवा ले क्या है भाई साहब? यस अमिगो, कैन आई सिट हियर? यू स्पीक इंग्लिश? नो। ओके, होटल पेरिस। नोएल, कॉमो स्टार्स अमिगो, यू फ्रॉम तिवाना? हां हां, ओके, नॉर्मल लगे, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बाय बाय। इंस्टाग्राम? यूट्यूब। विया ट्रैवल पनामा यूएसए। कई बार ना मेरे को यूँ भी लगता है कि यार लोग मेरे को जज ना कर रहे होंगे, साला ये भी दीवार कूदने आया, फिर मैं भाई सोचने तो क्या ही फर्क पड़ता है। पीछे म्यूजिक लगा रखा, देख रहे हो भाई, कार कुदा रहा है भाई। एंड भाई नाइट्रोस लगा रखे, ऐसे ऐसे कार कूद रही थी ये भाई साहब। उधर यूएसए रह गया और इधर ये मेक्सिको ग्रिंगोस। इतनी तेज आवाज म्यूजिक मैंने कभी नहीं सुना भाई, और यहाँ पे खुला चल रहा है, देख रहे हो आप? यूं लग रहा है भाई वो जो अपने हरियाणा राजस्थान में डीजे नहीं होते वो लेके घूम रहा है साथ में। बाय बाय। तो ये भाई ने वापस से भाई मुझे सेंटर में उतार दिया है और ये वापस से पहुंच गया हूँ सेफ जोन में। तो देखो अब दोनों सी बातें हो जाती हैं, अब कहीं आप लोग बोलेंगे यार कि आप ये सेफ्टी वाला ढिंडोरा क्यों पीट रहे थे। तो यही थी भाई द वॉल ऑफ मेक्सिको एंड यूएसए, जहाँ पर लोग भाई इतने मोटे मोटे पैसे खर्च के यहाँ तक ट्रैवल करते हैं, फिर दीवार कूदने का ट्राई करते हैं, जिसमें काफ़ी लोगों की जान भी जाती है, काफ़ी लोग सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। और अब यार इसके दोनों पहलू हैं, सही भी हैं गलत भी है। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, अगर गलत बोल रहा हूँ तो भी मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। बस मैं तो अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ यार, जो बंदे ये चीज़ें कर रहे होते हैं
वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लेके यहाँ पे आते हैं। मेरे लिए बोलना आसान है कि यार आप नया काम स्टार्ट कर सकते हो इतने पैसे में, जो दिन में बात बोल रहा था, लेकिन चीज़ें भाई जिस तरीके से हम सोचते हैं उस तरीके से काम नहीं करती। और बंदा जो खुद सोचता है ना, उसको लगता है कि दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ उसके लिए वही है। सेम चीज़ मेरे लिए भी है। मैं अगर कोई मेरे को अच्छी राय भी देगा ना, तो मेरे को लगेगा बकवास कर रहा है, उसको क्या पता मैं क्या क्या चीज़ से गुजर रहा हूँ। है मैन, उसको क्या पता कि मैं क्या चीज़ से गुजर रहा हूँ। तो ऐसे होता है यार, मतलब कि बंदा जो उसके दिमाग में चलता है ना, उसको मानता है कि यही सबसे बेस्ट, वही सोच पा रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक सेकंड पर्सपेक्टिव ज़रूर चाहिए होता है लाइफ में। जब हम हगते हैं ना लाइफ में, तब तो यही है यार। अब क्या बताऊँ, मुझे नहीं पता ये सही है गलत है, लेकिन एक चीज़ देखी मैंने कि मैं अकेला नहीं था उस दीवार के ऊपर। जो लोग यहाँ पे दीवार देखने आ, काफ़ी लोग थे जो उस दीवार को देखने आ रहे थे। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ। या तो अभी मैं थोड़ी देर बाद नाइट लाइफ को एक्सप्लोर करने जाऊंगा, अगर नाइट लाइफ एक्सप्लोर नहीं की तो कल भाई अपन यूएसए के अंदर डंकी मार जाएंगे, डंकी नहीं सॉरी लीगल वे में क्रॉस कर जाएंगे। और यहीं पे आई थिंक एक हिसाब से जो मैंने ट्रिप स्टार्ट की थी या वीज़ा से लेके यहाँ तक, ये देख लीजिए इतना दूर पड़ता है। पूरे पैन अमेरिकन हाईवे को क्रॉस करते हुए, मैंने पैन अमेरिकन हाईवे क्रॉस नहीं किया दो जगह पर, क्योंकि मैंने रास्ते में दो फ्लाइट भी ली है। और यहाँ से अब मैं अमेरिका के अंदर एंट्री कर जाऊँगा। मेनली जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं ना, वो एंटर करते हैं हुआरेस बॉर्डर से। वो यहाँ से भी ख़तरनाक टाउन माने जाते हैं। तिवाना फिर भी सेफ है, हुआरेस तो यहाँ से भी ख़तरनाक है। और सच्ची बताऊँ यार, आप नेट पे सर्च करोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा क्या ख़तरनाक है। मेक्सिको की हर सिटी के लिए कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा, ये ख़तरनाक है, वो ख़तरनाक है। जब तक आपके साथ कुछ नहीं होता, हर जगह सेफ है, वरना भाई कोई जगह सेफ नहीं है। कई ऐसे बंदे जिनके साथ दुबई में भी थोड़े ख़राब एक्सपीरियंस हो सकते हैं, उनसे आप जाके पूछोगे दुबई सेफ है, तो नहीं बोलेंगे दुबई सेफ है। तो ये पर्सपेक्टिव का भी मैटर है भाई। बस ज्ञान बहुत, अब मैं करता हूँ इस वीडियो को ख़त्म।